मैंने जब हाँ बिल्कुल संवाद तो माया जी आप करेंगे। मैं वो थोड़ा सा ये शुरुआती संवाद कर रहा हूँ बस, फिर मैं बीच में नहीं सुनाऊंगा, कोई टिप्पणी करूँगा कविता ही सुनाऊंगा बस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ये महेश कुमार मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आपने कभी कविताएं भी लिखी हैं, आप कवि भी थे। तो उसका मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में शुरुआती यात्रा का बता रहा हूँ कि बिल्कुल जो मैंने शुरुआत की थी अपने लेखन की वो की थी कहानियों से। और मेरी कहानियाँ उस समय की जो अच्छी पत्रिकाएँ थीं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपी, साक्षात्कार में कहानी छपी थी, और एक आजकल पत्रिका जो दिल्ली से निकलती है अभी भी निकलती है उसमें उसमें छपी कई सारी पत्रिकाओं में। स्पर्श एक पत्रिका जबलपुर से निकलती थी राजश्री रंजिता की, उसमें छपी तो कहानियाँ छपी। पर इस उनको कहानियाँ लिखते लिखते कविताओं की तरफ गया मैं, और फिर मैं बड़ा डूब के मैं अपनी तरह से कविता लिखने लगा। और जब उनके छपने की कुछ बारी आई तो बड़ा संकोच होता, पत्रिकाओं में तो छपी, कविताओं में सब स्तरीय पत्रिकाओं में। साक्षात्कार का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बड़ी प्रतिष्ठित में एक पत्रिका मानी जाती थी, मध्य प्रदेश भोपाल से निकलती थी वो, वहाँ की एकेडमी की। और समकालीन भारतीय साहित्य में मेरी कविताएँ छपी उस समय, तो ये बड़ी पत्रिकाएँ थी प्रतिष्ठा के लिहाज से। तो कविताएं मैंने लिखी पर संकलन के रूप में बड़ा संकोच रहता था। तो हमारे मित्र योगेंद्र दबे जो चर्चा पत्रिका भी निकालते थे, और उन्होंने एक छोटा सा प्रकाशन शुरू किया चर्चा प्रकाशन, उसे छोटी छोटी पुस्तकाएं निकालने का उन्होंने योजना बनाई। तो उन्होंने मेरे से भी 25 कविताएं मेरी मांगी थी कि इनमें से चुन करके और हम एक पुस्तिका निकालेंगे, तो मैंने उनको दे दी। उसमें जो कथाकार रघुनंदन त्रिवेदी कविताएं भी लिखते थे और उनकी पुस्तिका भी उसी सीरीज में छपी है, मैं 4-5 पुस्तकाएं वो छापी, और उसमें अकेली मेरी पुस्तिका जो थी वो बाइंडेड थी, हार्ड बाउंड थी, बाकी सब वैसे ही थी। तो वो स्वयं के विरुद्ध का पहला संस्करण था, तो उसकी बड़ी सराहना हुई, उसको लोग याद करते थे, पसंद करते थे। और उसके बाद की जो कविताएं हैं वो एक संकलन में आई, वो ये संकलन है जीवन ही कुछ ऐसा है, बस कुल जमा कविताओं के नाम पर ये 2 संकलन। तो इसके स्वयं के विरुद्ध जब आई तो मैं मुझे संकोच हो रहा था उन्होंने कविता उनको कविताएं कहने। नमस्कार अनिल गुप्ता जी, नमस्कार महेश पनौठा जी, बाबा महेश पनौठा जी इतनी दूर से देख रहे हैं। हाँ पनौठा जी, शिक्षा से पहले मैं यही काम करता था। तो मैंने उनको उन कविताओं को गद्य की तरह लिख दिया, मतलब पैराग्राफ में और इस तरह से, और उनको मैंने गद्य कविताएं कहना मतलब कहा भी ये कि गद्य कविताएं इसको कहेंगे तो थोड़ा बच जाएंगे अगर कुछ कमी होगी तो, क्योंकि उस जमाने में कविता कहानी में इतना निसंकोच लोग आते नहीं थे, बड़ा डरते डरते आते थे। सत्यनारायण जी ने बड़ी पहल की उसमें पूरा संकलन, मतलब जोधपुर वो गए गए थे और वो भी योगेन जी के बड़े दोस्त थे, रोज मिलते जुलते रहते थे, तो उन्होंने ही वो पूरे उसको अंतिम रूप दिया और वो स्वयं के बुद्ध इस तरह से छप करके आई। और उन्होंने उनको कविता डायरी नाम देने की कोशिश की कि इसको अपन कविता डायरी कहें। तो इसका जो तो एक तरह से ये पहली मेरी पहली किताब है स्वयं के विरुद्ध और कविताओं की किताब है। और इस पर जो ये जो दूसरा संस्करण, ये आप देखिए 90s के बाद ये पहला संस्करण इसका आया था, और उसके बाद से लोग इसको याद करते रहे, कहते रहे। हमारे मित्र संजीव मिश्र तो कहते थे कि तुम्हारी वो ही ट्रैक था, तुम्हारा असल में वहीं से तुम्हें उसी ट्रैक पर चलना चाहिए था, तुम भटक गए। तो ये अलग हुआ कि फिर मैं आलोचना की तरफ आया और आलोचना में काम करते आजीविका के लिए शिक्षा की तरफ गया। तो आलोचना में काम करते करते मुझे लगा कि ये जो बितान है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं सांस्कृतिक अध्ययन की तरफ गया अपने आलोचना को समृद्ध करने के लिए। और आज भी मैं सांस्कृतिक अध्ययन को आलोचना के लिए ही करता हूँ और इसी में इस्तेमाल करता हूँ। पर ये अलग बात है कि बागड़ी जी जैसे लोग हैं जो एंथ्रोपोलॉजी में काम कर रहे हैं, कुछ सोशोलॉजी वाले हैं, वो कहते हैं कि आप नहीं ये हमारे हमारे लिए काम कर रहे हो। तो अब मेरी स्थिति यह है कि मैं कई क्षेत्र में
कार्यरत हूँ और जो काम करता हूँ उसको लोग कमज़ोर नहीं मानते लेकिन अधूरा मानते हैं। शिक्षा वाले कहते हैं तुम पूरी तरह इसमें नहीं हो तो तुम्हारा शिक्षा का काम है वो अधूरा है। जो सांस्कृतिक अध्ययन में करता हूँ तो सोशोलॉजी वाले या उधर एंथ्रोपोलॉजी वाले कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो काम तो लेकिन ये अधूरा है। तो इस तरह से अधूरा अधूरा में कई जगह बटा हुआ विभाजित, तो जैसा भी ये वो है। तो मैं इसका जो पहले संस्करण पर जो टिप्पणी लिखी गई थी और मुझे संदेह तो यही है कि ये सत्यनारायण जी ने लिखी होगी, नाम नहीं दिया गया था इसमें, इसी को हमने दूसरा संस्करण जो माया मृग जी ने बोधि प्रकाशन से दिल्ली के इस साल के पुस्तक मेले में रिलीज किया, मैं उसमें मेरे को भी बुलाया था पर मैं जा नहीं पाया था उसमें, तो इसका जो ब्लर्ब है मतलब वो पहले संस्करण का ही ब्लर्ब इसमें इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ और फिर मैं बस शुरू करता हूँ उसको। वो इसलिए कि इनको जो विधा जो कविता का जो रूप है उसको लेकर के थोड़ा सा जो एक हमारे बीच में सोच विचार है वो थोड़ा साफ हो जाए। स्वयं के विरुद्ध में राजाराम बहादुर ने अल्पख्यात विधा कविता डायरी के माध्यम से नई और गहरी सृजनात्मकता का परिचय दिया है। कविता डायरी के इन अंशों में व्यक्तिगत अनुभूतियों से परे अपने समय बोध का तीखा एहसास है। यहाँ पाठक लेखक के साथ समकालीन समय और उससे जुड़े सवालों से सीधा रूबरू होता है। इसे किसी एक विधा में बांध कर नहीं देखा जा सकता। कई बार गहरे संवेदनात्मक संस्पर्श के कारण ये अंश कविता के नज़दीक जाते हैं तो कई बार कहानी के। कहीं स्वयं से बात करते लेखक चिंतन के गहन क्षणों में जाकर उन सवालों से जूझने लगता है जिनसे अब कोई नहीं टकराता। इन सब के बीच वह उस लोक को भी नहीं बिसारता जिसके बीच से वह उपजा है। गंदगी के ढेर में जो खिल सके ना के बाद गुमसुम चांदनी से गुफ्तगु करता वह सिलसिला खत्म होने तक की उम्मीद में स्याह अंधेरे का सफर जारी रखता है। कविता डायरी के बहाने समकालीन प्रसंगों को लेकर लिखी गई ये टिप्पणियाँ पग पग पर राजाराम भादु की अनूठी आत्मशैली और प्रखर समय बोध से साक्षात्कार करवाती हैं। इसमें लेखक ने एक ऐसी अपनत्व भरी भाषा का आविष्कार किया है जिसमें चिंतन के गहन गंभीर क्षणों में भी पाठक से सीधा और सहज रिश्ता बना रहता है। यह सृजन लेखक का स्वयं से नहीं हम सब से एक संबोधन है। तो ये इस किताब के बारे में जो एक किस्म की विज्ञप्ति होती है वो है। लेकिन माया जी सच बात तो यह है आदमी एक अनुशासन में काम करता है तो थोड़ा एक कहना चाहिए मुकम्मल तरीके से उस तरह से कर पाता है। वो बटा होता है तो कुछ कुछ तो एक असंतोष उसका खुद का भी बना रहता है और दूसरों के हिसाब से भी बना रहता है। इसमें जो है हमारा उन दोनों मोबाइल वगैरह पत्राचार होता था तो मैंने सत्यनारायण जी को नरला की कुछ पंक्तियाँ लिख करके भेजी कि इसमें सबसे पहले जो किताब शुरू होती है उसके पहले पेज पर कुछ लिखते हैं समर्पण से पहले या समर्पण के साथ में इसको डेडिकेट करते हैं उसके नाम के साथ। तो मुझे निराला की पंक्तियाँ कौंधती रहती थी और सही पूछा जाए तो इसका टाइटल और ये सब वहीं से निकला। तो उस समय मुझे तीन ही पंक्तियाँ याद आई। सत्यनारायण जी ने उसकी चौथी पंक्ति लिख करके निराला की और उसको मुकम्मल किया, वो मैं पढ़ देता हूँ उसमें से। तो उससे थोड़ा और ये जो टाइटल है महेश लिख रहे हैं कि एक तरह का सैद्धांतिक स्टेटमेंट है स्वयं के विरुद्ध, तो उसकी रोशनी के लिए बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ निराला की। मैंने मैं शैली अपनाई देखा दुखी एक निज भाई दुख की छाया पड़ी हृदय पर मेरे झट उमड़ वेदना आई। ये चौथी पंक्ति है ये मुझे याद नहीं आ रही थी इसको और ये किताब सत्यनारायण जी को मैंने डेडिकेट की है और अब मैं इसमें से पढ़ना शुरू करता हूँ। तो एक जो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ उसका शीर्षक है हवाएं लौट रही हैं। ये जो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल है और वायुमंडल में हवाएं हैं
और हवाएं निश्चित हैं और वो पूरे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का जो वायुमंडल है उसमें इधर से उधर विचरण करती रहती है। तो उनकी उनकी गति और प्रकृति में हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण का संघात है उससे अंतर आता रहता है। तो हो सकता है कि एक हवा जो अभी आज जो गुजर रही है वो 5 साल पहले आपके साथ से गुजरी हो। तो कई बार हमें लगता है कि हवा में एक जाना पहचानापन लगता है, तो उस सेंस से ये जो इसका टाइटल आया हवाएं लौट रही हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। हवाएं लौट रही हैं तुम्हारी यादों की तरह, हवाएं लौट रही हैं वहाँ से जहाँ तुम नहीं गई कभी, मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ से जिस दूरी को मापा नहीं जा सकता, जिस जगह को वर्णित करना कविता में भी मुश्किल है। जब मैं बहसों से उब गया और एक निरर्थक ताबूत की स्थिति में हुआ, मुझे तुम्हारी याद आई। तब भी जब लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैंने देखा सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो उसे जिंदा रखती हैं। मैंने देखा सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो उसे जिंदा रखती हैं। मरा हुआ प्यार स्मृतियों में जिंदा रहता है, स्मृतियों से बचा नहीं जा सकता, खासकर तब जब हमारे पास खाली वक्त होता है और कुछ न कर पाने का एहसास। नमस्कार नवजोत जी। हवाएं लौट रही हैं वहाँ दरख्तों से होती, इमारतों के ऊपर से मृत पत्तों तिनकों को आंदोलित करती। ये मैं वापस पढ़ देता हूँ। हवाएं लौट रही हैं वहाँ दरख्तों से होती, इमारतों के ऊपर से मृत पत्तों तिनकों को आंदोलित करती। तुम्हारी तस्वीर की प्रासंगिकता खत्म हो गई है मेरे लिए, तुम्हारी तस्वीर की प्रासंगिकता खत्म हो गई है मेरे लिए, मगर वह खुशबू और सरसराहट लौट आई है। कहीं नंगी चट्टानों से टकराकर, निर्मम लहरों को छूकर, वहाँ से जहाँ हम तुम नहीं पहुँच पाए। मैं आज भी वहाँ हवा के साथ जाना चाहता हूँ जहाँ से वे लौटी हैं, जहाँ पहुँचने का इरादा छोड़ तुमने प्यार की हत्या कर दी थी और मैं उसे बचा नहीं पाया था। अब लेखन में मारकाट मची है, कविता में तुम्हारी याद करना कोई महत्व नहीं रखता, ये हवाएं कोई शोक गीत का कथ्य भी नहीं मेरे लिए। तो ये कविता थी। नमस्कार योगिराज जी। संगीता व्यास जी नमस्कार। एक और कवि इसके स्मृति लेख, स्मृति लेख अपन सब जानते हैं कि हमारे तो क्या है, हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार होता है उसमें तो स्मृति लेख की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ये सामान्यतः जिनके यहाँ जो अंतिम संस्कार में कब्रें बनाई जाती हैं, खासतौर से ईसाइयों में, तो कब्र पर कुछ लिख दिया जाता है, कुछ छोटा सा, और तो उसको उस लिखे हुए को, और वो लिखे हुए में बहुत सारे जो हमारे जो रचनाकारों की कलाकारों की कब्रें हैं उसमें उन्हीं की कोई बात, जैसे वसीयत करते हैं ना, ऐसे वो बोल गए थे कि हमारी जो डेथ हो उसके बाद कब्र पर आपको ये लिखना। तो वो बड़ी मशहूर उक्तियाँ हैं, लोग जो विजिट करने जाते हैं उनको वो उन स्मृति लेखों को भी देखते हैं। तो इसका शीर्षक है स्मृति लेख। जैसे घबराती है अकेली हिरणी सूने जंगल में, बरसात में नाविक, भय का सांप मेरे अंतस में सरसराता है, गाड़ देता है अपने विस्तंत हृदय पर। अगर हृदय पर भी जहर का असर होता तो कब की मर चुकी होती आत्मा। झंझा बातों से
अगर छलनी होती चट्टाने कब का खो चुकी होती वजूद। एक पक्षी उड़ता है अपने झुंड से बिछुड़ा, आँखों में होता है भय मिश्रित साहस। आकाश की दूरी लगती है विराट और डैने थके थके। मुझको नहीं है जरूरत जन्नत की, नहीं चाहिए काबे में कफन, गजभर का कफन काफ़ी है मेरे लिए। अलविदा संतप्त आत्माओं के लिए, बहुत अफसोस होगा मुझे। तो ये थी गद्य कविता स्मृति लेख। एक कविता भाई कैलाश मनोहर सुन रहे हैं, मेरी तस्वीर नज़र आई थी उनकी, उन्होंने पूरी एक पुस्तकें लिखी है अवसाद पर। एक कविता है अवसाद। शब्द आधे अधूरे हैं और पीड़ा है अनंत अतल। शब्द आधे अधूरे हैं और पीड़ा है अनंत अतल, भाषा की चादर में कहाँ तक फैलाऊं पांव। जितने रंग हैं उनमें यह रंग इस्तेमाल नहीं होता, कौन सा रंग है सपनों के ध्वस्त हो जाने का। दर्द का दरिया फूट पड़ा है आत्मा की सूखी कठोर चट्टान। दर्द का दरिया फूट पड़ा है आत्मा की सूखी कठोर चट्टानों से। ये किस सुर में झर रहा है जिसमें सारे आंसू सूख गए हैं। ये लहू के थक्के रिस रहे हैं आत्मा के आर्द्र संतप्त संगीत से। तो ये कविता थी अवसाद। नवजोत पनौत जी नमस्कार। धुआं, देखो बावड़ी जी ये सुनना, यह धुआं है, धुएं से कुछ भी नज़र नहीं आता। यह धुआं है, धुएं से कुछ भी नज़र नहीं आता, मेरे इर्द गिर्द फैला धुआं, अगरचे मैं आँच हूँ आँच। तुम आँखें मलती मुझे ढूंढती बढ़ रही हो, तुम्हें आशंका थी मैं एक दिन धुएं के बीच खो जाऊँगा। मैं तमाम कूड़ा करकट कबाड़ इकट्ठा कर रहा था अपने गिर्द बहुत दिनों से। तुम्हें पता था किसी दिन मुझे सनक चढ़ेगी और इस कूड़े के ढेर को एक तीली दिखा दूंगा। तुम्हें पता था किसी दिन मुझे सनक चढ़ेगी और इस कूड़े के ढेर को एक तीली दिखा दूंगा। तुम बेतहाशा आगे बढ़ती हो जैसे अभी मुझे छूलोगी, मुझे टटोलने का उपक्रम करती। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ अपने आलिंगन में आखिरी बार। ओह कितनी देर हो चुकी, अंत कैसे आ जाता है एकाएक। तो इस तरह की काफ़ी कविताएँ इस संकलन में। एक और है बसंत को विदा। जाओ बसंत मेरे जीवन से जाओ, मनुष्य के जीवन में नहीं लौटते तुम एक बार जाने के बाद। प्रकृति में तो बस प्रकृति का बसंत तो प्रतिवर्ष आता है। जाओ बसंत मेरे जीवन से जाओ, मनुष्य के जीवन में नहीं लौटते तुम एक बार जाने के बाद। जैसे पतझर में हरे पत्ते हो जाते हैं अदृश्य, प्रकृति है बहुत समृद्ध, जहाँ लौटता है पतझर के बाद बसंत हर बरस। लेकिन मेरी जिंदगी से जाना बसंत का वापसी की यात्रा के ढलान की शुरुआत है। इस यात्रा से लौटता हूँ मैं देखे हुए भोगे हुए बसंत की पोटली कंधे पर टांगे। इस यात्रा से लौटता हूँ मैं देखे हुए भोगे हुए बसंत की पोटली कंधे पर टांगे। दूसरों के उपवन में बसंत को छाते देखता, वहीं तो प्रतिबिंबित है
मेरा अति दूसरों के उपवन में बसंत को छाते देखता, वहीं तो प्रतिबिंबित है मेरा अतीत। विदा वसंत, विदा मेरे जीवन से, मैं अपने अलाव के लिए अपने झरे पत्ते समेटता हूँ। अगली कविता है उत्खनन के लिए प्रतिस्पर्धा। इसमें एक कोई पुराने खंडरों के पुरानी सभ्यताओं को ढूंढने के लिए जिस तरह खुदाई होती है, उत्खनन होते हैं, तो अगर ऐसा हमारे साथ कुछ होने लगे तो उत्खनन के लिए प्रतिस्पर्धा। और तो कुछ बचा नहीं कहीं मेरे जीवन में, और तो कुछ बचा नहीं कहीं मेरे जीवन में, खोदो वहाँ निकलेगा एक खंडहर। खंडहर जिसमें अब भी साबत हैं समानांतर सड़कें, स्वच्छता की वाहक नालियाँ। एक खंडहर है जो पर्याप्त संकेत देता है मेरे स्वप्नों के चिंतन का। हालांकि आप शायद मालूम ना कर सकें कि इसके शिखर कैसे ध्वस्त हुए। एक खंडहर है जो पर्याप्त संकेत देता है मेरे स्वप्नों के चिंतन का। हालांकि आप शायद ना मालूम कर सकें कि इसके शिखर कैसे ध्वस्त हुए। बहुत सी सामग्री है जो बताएगी मेरी संस्कृति का नक्शा, अधूरी कविताएं, आलेख और डायरियां। लोगों की चिट्ठियों से पता चलेगा मेरे संपर्कों का तंतुजाल, कैसे मैं एक दिन खंडहर में बदल गया और मेरे पर छा गई समय की अनंत परतें। यह मुद्दा बहस तलब ही रहेगा बरसों तक। लेकिन मित्रों, मेरा उत्खनन तो करो, मुझे भरोसा है मैंने एक काबिल सभ्यता जी, ध्वस्त हो दबने से पहले अनंत के। क्या मेरे आत्मघात की यह सफाई पर्याप्त नहीं है? नमस्कार अनुपमा जी। एक और कविता है हाथ नहीं आती छायाएं। जो एक कहावत है ना कि खुद आप अपने छाया को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो छाया आपसे और दूर चली जाती है, कभी आप के हाथ नहीं आती। हाथ नहीं आती छायाएं। अस्तित्व का ठोस प्रमाण है छाया, खुद को छूती और खुद से दूर, अपने सदैव नज़दीक और नितांत असंप्रत। अंधेरे में साथ छोड़ देती है छाया, तब हमें खुद ही अपने अस्तित्व की गवाही देनी होती है। जितनी रोशनी गिरती है तिरछे कोण से छाया, उतनी ही होती है लंबा का। जितनी रोशनी गिरती है तिरछे कोण से छाया, उतनी ही होती है लंबाकार। जब प्रकाश सीधे सिर पर पड़ता है छायाएं खुद हम में समा जाती हैं। छायाएं जो हमारे साथ जन्मी हैं और जो हमारे अदृश्य होने के साथ छायाएं जो हमारे साथ जन्मी हैं और जो हमारे अदृश्य होने के साथ अदृश्य हो जाती हैं। कहते हैं कि हम स्वयं अदृश्य छायाओं में बदल जाते हैं। हमारे पास रहकर भी हमसे कितनी दूर हैं वे छायाएं, कभी नहीं करती संवाद। हाथ नहीं आती छायाएं, मैं अपनी छाया से मुक्त होना चाहता हूं, तो यह मुझ पर छा जाती है एक प्रेत छाया बनकर। आखिरी पंक्ति है, मैं अपनी छाया से मुक्त होना चाहता हूं, तो यह मुझ पर छा जाती है एक प्रेत छाया बनकर। मैं थोड़ा इसलिए भी कतराता हूँ इससे कि
आप देखिए 95 या उसके आसपास ये पहला संकलन आया था, उसके बाद ये दूसरा 2000 से पहले पहले आ गया था, और फिर एक कविता वाला जो मेरा ज़िंदगी का वो था अध्याय, वो वहाँ एक पूरा हुआ। तो अब मैं खुद इनको पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे किसी और की कविताएँ पढ़ रहा हूँ, और वो राजा राम कोई और था। तो इसलिए भी सामान्यतः उनको पढ़ने से कतराता हूँ, पाठ भूल गया हूँ जो पाठ जिस तरह का होता था। नमस्कार नमस्कार राम जी, राम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आप भी सुनने आए। एक और है, मृत माँ के लिए शोक गीत। माँ ओ मृत माँ, इस नीरव रात्रि में मौन मैं तुम्हें याद करता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हें आवाज़ नहीं दे रहा शोर के डर से, मगर देना चाहता हूँ। माँ मैं मन ही मन तुम्हारी लोरी गुनगुना रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, कहीं दूर से सुनाई देती हर पंक्ति। माँ तुम बहुत पास बैठी मुझे थपकियाँ दे रही हो, तुम जाना नहीं मेरा गला भराया है। माँ आज तुमने कुछ नहीं खाया, पिता से झगड़ा करके तुम माननी, मुझे पता है तुम आज भी नहीं खाओगी। तुम माननी पी जाती हो सारा दुख, सह लेती हो तनाव अभाव उपेक्षा सब, तुम मर क्यों नहीं जाती माँ, तुम सच में मर गई हो। देखो यहाँ कैसी घास और जंगली पौधे हुए हैं। मृत माँ के लिए शोक गीत। ये स्मृतियाँ, वह चली गई है ऋतुओं से उसे क्या फर्क पड़ता है, जबकि यहाँ हवा में स्मृतियाँ बह रही हैं, तालाब में सूर्य की रक्तम किरणें प्रतिबिंबित हो रही हैं, हरे खेतों में लहरें उठ रही हैं, इस ऋतु की हवा इनसे गुजर रही है, ऊपर तैरते बादलों के नीचे एक बगुला उड़ता चला आ रहा है। उसने कहा था उसे हवा में महसूस करूं, उसके चले जाने के बाद जल में देखूं उसका प्रतिबिंब, बच्चों के झुंड में खिलखिलाहट मिल जाएगी मुझे उसकी मासूम और निश्चल। क्या सच में वह ऐसे व्याप्त हो सकती है चीज़ों में, वह चली गई है इन वृक्षों के सायों से, इस हवा के बीच से, इस ताल के किनारे से और बच्चों के झुंड से। क्या वह मिल सकती है स्मृतियों में बर्फ के फाये जैसे, स्वप्नों में धुंधली आकृतियों की तरह, हवा में तैरती सांसों को क्या मैं छू सकता हूँ, वह कौपलों में हो सकती है या फिर पत्तों में अथवा शब्दों में बना सकती है जगह। तो ये थी स्मृतियाँ। एक दो कविताएँ और सुनाऊँगा। ये कविता, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए। शीर्षक, अपमानित होने के बाद। वह भी और दिनों जैसा ही दिन था, वह भी और दिनों जैसा ही दिन था, मगर खिंच गई थी एक विभाजक रेखा अपमानित होने से पहले के दिन और उसके बाद के दिन के बीच। दिन हो गया श्वेत श्याम, फिर जीवन पर पड़ी उसकी छाया, आत्मविश्वास छोड़ गया साथ, सदा के लिए उत्कंठा मुरझा गई धूप में लता की तरह, अपमान का अदृश्य बोझ लदा रहता है, पांव भारी उठते हैं, किसी से भी बात करने से पहले लगता है इसे भी पता है, यह भी जानता है। अपमानित होने के बाद मैं वह मैं नहीं रहा, जैसे उत्पीड़न के बाद स्त्री, जीवन वैसा ना रहा सहज प्रवाहमान,
तो क्या अपमानित होने के बाद जीना जीवन का अपमान तो नहीं? नमस्कार स्मिता जी, मुरलीधर जी नमस्कार। और एक ये कविता है, भटकना पतन की गलियों में। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ भटक रहे हैं। यह भी पता होता है लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हम पर कैसी फवतियाँ कसी जा रही हैं। सब कुछ सब पता होता है, लेकिन एक जिद होती है, एक नशा तारी होता है। सिर्फ नशा कहने से काम नहीं चलेगा मित्रों, एक जुनून एक पागलपन होता है जो मदहोश किए रहता है दिन रात। कहते हैं भी देखो इस आदमी का क्या हुआ, किन गंदी नालियों में जा गिरा है, आप परवाह नहीं करते और कथित गंदी नालियों को सूंघ सूंघ कर देखते हैं, कहाँ है गंदगी यहाँ, और एक सुअर की तरह इस कथित कीचड़ में लौटने लगते हैं। देखें हमारा क्या बिगाड़ लेता है दलदल। हाँ कथित ही तो, क्योंकि आपको तो यह सब ना गर्हित लगता है, ना नर्क और ना दलदल। और दूसरी दुनिया द्वारा चीज़ों की दी गई परवासाएँ आप नकार चुके होते हैं। तो ये थी भटकना पतन की गलियों। तो सोचा तो मैंने ये था कि यही सुनाऊंगा आपको। ये मैंने इसके इस संकलन के आधे से सुनाना शुरू किया था, इसमें तारीखें भी पड़ी हुई हैं संकलन, तो उन दिनों की दुनिया की आप कल्पना कर सकते हैं। तो जाहिर है कि थोड़ा बाद वाला था, और थोड़ा पीछे चलें और दो कविताएँ थोड़ा पीछे से मैं सुना देता हूँ। तो ये उस जमाने के संदर्भ में, उनके हमले और गुरिल्ले हम, स्याह अंधियारा घटता फैलता, चौड़ी सुनी सड़क पर धुंधलाती ट्यूबलाइटें, पास आती कई जोड़ी बूटों की आवाज़ एक स्वर, और किसी दैत्याकार दीवार के तले खौफ जदा हम कुछ, आज़ादी की रक्षारत संकेत, चीखती सीटियों का स्वर, व्यवस्था भंग करने वाले तत्व और उन पर काबू पाने के हमले। कुछ नहीं कर पाएगी कविता अकेली, आदमी खड़े हैं लाइनों में लेने सिटी बस की टिकटें, परस्पर अनजान किंतु श्रेष्ठ, स्वयं को किसी भी रिस्क से सेफ रखने को चौकन्ने, कहाँ जमीन तैयार करती मेरी कविता। गुरिल्ले हम दुस्वप्न था भाई मेरे, क्या कर लेंगे गुरिल्ले हम, दीवार से सटकर नीम अंधेरे में बैठे फुसफुसा कर बात करते हैं। बड़ा आसान है खुद को खतरनाक घोषित करवा लेना, लेकिन बड़ा मुश्किल है फिर खुद को बचा पाना। गुरिल्ले हम एक घटना रहेंगे महज, बेशक चाहता हूँ कुछ हो बेहतर, सांसें यूं भी तो महंगी होती जा रही हैं रोज बरोज, और उतनी ही बढ़ती जा रही है बेचैनी। मैं और समूह अजनबियत के भावी खतरे से डरते हैं, दुस्वप्न से घबराया पसीने से तरबतर, मैं सोचता हूँ अब क्या होगा, बढ़ते जा रहे हैं उनके हमले। बस आखिरी दो कविताएं, एक छोटी है एक थोड़ी सी बड़ी है। ये मसला हुआ गुलाब,
उस शाम, उस रंगीन शाम, पार्टी के फर्श के कोने पर से जो मसला हुआ गुलाब मैंने उठाया था, वह गुलाब शायद किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दिया होगा। फर्श पर वह घायल कराह रहा था जब मैंने उसे उठाया, उसे सूंघा तो एक दर्द मेरे भीतर उतर गया। किसी की निगाह मेरी ओर उठी और मैंने झेंप कर उसको कोट की जेब में डाल लिया। आज सुबह जब मैंने यूं ही अपना हाथ जेब में डाला तो मसला हुआ गुलाब उंगलियों में फंसा निकल आया, किंतु अब यह चुप है। मुझे इसकी खामोशी खलती है। मैं इसे सूंघना चाहता हूँ लेकिन इसमें कोई गंध नहीं रह गई है, कोई एहसास भी नहीं उभरा, बस एक अफसोस मातमी अव्यक्त एहसास, शायद यह मर गया है। और अरे वाह सना, बहुत अच्छा लगा सना रजा, तुम सुनने आई हो। यह आखिरी एहसास पुल का पुल, मतलब ये पुल कह रहा है कविता। धीरे धीरे दबे पांव कोई चहलकदमी कर रहा है, रेलिंग के सहारे वह बढ़ रहा है, कुछ निराश सा झुंझलाहट भरा निरी है। एक हाथ से अपने बालों में उंगलियां फिराता वह चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। वापस से पढ़ देता हूँ उसको मैं। धीरे धीरे दबे पांव कोई चहलकदमी कर रहा है, रेलिंग के सहारे वह बढ़ रहा है, कुछ निराश सा झुंझलाहट भरा नदी है। एक हाथ से अपने बालों में उंगलियां फिराता वह चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। वह रेलिंग के सहारे खड़ा डूबते सूरज को ताकता है बड़ी अजीब नज़रों से, बहुत आशाहीन सा, फिर अंतरिक्ष में निहारता पुल की सूनी पीठ पर बढ़ रहा है। रक्ताव क्षितिज से पक्षी उड़कर आ रहे हैं, हसरत से उन्हें देखता चहलकदमी कर रहा है। रेलिंग पर फिर दोनों हाथ टेके धीमे बहते पानी में देखता है, सहारा खोजता सा। रेलिंग पर फिर दोनों हाथ टेके धीमे बहते पानी में देखता है, सहारा खोजता सा, आँखों में कैसा सूनापन, बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल, उजड़े बाग की तरह अंधेरी होती लहरों में अपनी ही प्रतिछाया थिरकती देखता सा। लो अब वह दूसरे कोने पर जा रहा है, देखो अपनी कमीज उतार कर जेब से कागज निकाल कुछ लिख रहा है, देखो अपनी कमीज उतार कर जेब से कागज निकाल कुछ लिख रहा है। ना मालूम क्या लिख दिया, किसको क्या पता, कागज का टुकड़ा कमीज की जेब में, उसे टांग दिया है रेलिंग पर और फिर चहलकदमी कर रहा है। रेलिंग पर दोनों हाथ कड़ाई से जकड़े वे दृढ़ मनस्थिति में दांतों से होठ दबाए आंखें स्थिर किए पानी को घूरता है। न जाने उसके मस्तिष्क में क्या झंझावात उठ रहा है, एक पल दो पल क्षण, सहसा उसकी पकड़ ढीली हो रही है, वह सिर झटकता है, दोनों हाथों से भराई आंखें पहुंचता है, वह बढ़ रहा है कमीज की ओर, चिद्दी चिद्दी उस कागज के टुकड़े की उड़ रही है। एक परिंदा आ रहा है नदी की ओर, नदी पर, चिद्दी चिद्दी उस कागज के टुकड़े की उड़ रही है, एक परिंदा आ रहा है नदी पर, दबे पांव वह जा रहा है, अंधेरा घिर रहा है बेआवाज, लो देखो वह चला गया। तो मित्रों ये थी स्वयं के विरुद्ध, और मुझे लगता है कि लगा होगा आपको कि स्वयं के विरुद्ध क्यों है। मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी शिद्दत से सुना है और देवेंद्र जी ने ये अवसर क्रिएट किया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।